सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हम नीचे से जा रहे पुल के और ऊपर मेट्रो चल रही है और हवा की आवाज़ आपने सुन ली होगी। और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी और मैंने यहाँ पे हेलमेट लगा रखा था। हेलमेट आज जो है मैंने कानों में अपने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही होगी। मेरे कानों में एकदम ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली और आपको ले चलेंगे वेगस मॉल, जो कि द्वारका सेक्टर 14 में है, और आपको पूरा मॉल दिखाएंगे, टूर कराएंगे। और हम लोग यहाँ पे रोड इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा था आज मौसम, थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि सुबह ही धूप निकल गई थी और काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने आज। आप लोगों को थोड़ा टूर कराऊंगी, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। गाइज, वेलकम आवर माई चैनल साई वी सालिम। आप सभी का स्वागत है और भी हम आए हैं गुरुद्वारे। और आज मैंने अपने बाल भी सही से नहीं बनाए हैं क्योंकि हो सकता है आज मैं अपने बाल को कटिंग कराऊं। बाइक पे बैठे बैठे पूरे बाल का सत्यानाश हो गया है। तो ये लोग गए अंदर दर्शन करने, मैं तो जा नहीं सकती हूँ और थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल देती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ये सारी चिड़ियाँ हैं। तो ये गए हैं अंदर दर्शन करने और मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ आज। बहुत मन था, किसी और दिन आती तो जरूर जाती। तो मैंने ये वाला जैकेट पहन लिया लेकिन फिर भी बहुत ठंड लग रही है। कान में लगाने के लिए कुछ है नहीं, कैप वगैरह, लेकिन कान में हेलमेट लगाया ना तो उससे थोड़ा सा ठंड नहीं लग रही है, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, सर 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 सर, तो कान में लग रहा है। तो मैंने ये वाला जैकेट पहन लिया है, ये टॉप और ये वाला शूज़ पहन लिया है लाइक दिस। तो चलो वेट करती हूँ मैं इनका। और इधर है पार्क और जंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुकून सुकून सुकून, बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसी जगहों पे आना तो बहुत सुकून मिलता है। चलो थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। तो मैं खा रही हूँ थोड़ी सी धूप लाइक दिस। तो मैं बाहर वेट कर रही हूँ, सामने शायद हॉस्पिटल है या स्कूल है। तो मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। हस्बैंड और निशु दोनों गए हैं जो है गुरुद्वारे में दर्शन करने और मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं आज अंदर नहीं जा सकती हूँ। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ धूप के मज़े, इंजॉय कर रही हूँ धूप क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है। और जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो धूप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ पेट भर के धूप क्योंकि फ्लैटों में धूप के लिए छत पे जाना पड़ता है। वैसे मेरे बालकनी पे अच्छी खासी धूप आ जाती है, दोपहर 12-1 बजे तक धूप काफ़ी अच्छी खासी रहती है। तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ और उसके बाद हम जाएंगे अपने एक बहुत ज़रूरी काम से, उसको जो है निपटाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे वेगस मॉल
जो कि द्वारका सेक्रेटरी का फॉर्म्स लगे हुए हैं। मन कर रहा ना चुरा लूं। अगर मैं ऑटो से आती ना, एक अरीका पंप उठा के पक्का लेके जाती। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं अरीका पंप। ये अंदर गए हैं गुरुद्वारे के अंदर। मेरा मास्क कहाँ चला गया? अच्छा, मैंने थैले में रखा है। तो कितने क्यूट क्यूट ना पौधे लगे हुए हैं। यारी कप्पा ये लाइन से लगे हुए हैं, दिखाओ आपको। ये देखो देखो, पूरे यहाँ से लाइन से, जो कि मेरा ये फेवरेट प्लांट है, सबसे फेवरेट है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइन से लगे हुए हैं। ऑटो में होती ना तो ऐसे उठा के रख लेते। पता नहीं क्यों मेरा अरीका पंप नहीं लगता घर में, यहाँ पे लग गए। बहुत बहुत क्यूट है। और ये रहा गुरुद्वारा। तो मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी, तब मैं जाऊँगी अंदर। अभी तो यही दोनों गए हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बैठने का भी है, लेकिन मैं धूप में बैठूंगी। ये छोटे छोटे ना गेंदे के भी पौधे लगे हुए हैं। आई लव प्लांट, मेरा फेवरेट है प्लांट। मुझे नहीं पता था इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी बाहर। मेरे को ना कैप लेनी पड़ेगी, मेरे पास कोई कैप नहीं है। कैप मतलब कान में लगाने वाला। तो थोड़ी देर धूप में ही खड़ी हो जाती हूँ। बाबू के तिनको से चल बनाए आसिया। थोड़ा इधर भी देखते, इधर इधर सबकी गाड़ियाँ पार्क होती है, हम तो बाइक से आए हैं। तो बस, और ना मैंने अपने लेंस लेंस लगाया है, तो अगर ज़्यादा चुभेगा ना तो लेंस का डब्बा मैंने पॉकेट में रखा हुआ है, तो निकाल के रख लूँगी। ये रही हमारी बाइक। धूप धूप बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है धूप। बाइक पे बैठूंगी ना तो इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी। आँखों में जा रहा है मेरे बाल जो है ना, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, बहुत दिन हो गए थे, कोई आउटिंग नहीं हुई थी मेरी। और आज हमें यहाँ पे कुछ काम था, और सबसे बड़ी बात है दर्शन करना भी था। और मैं यहाँ पे अगले वीक फिर आऊँगी, गुरुद्वारे मुझे आना भी है। और हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो घर में हमारा टाइम जो है कटता नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरियत लगता है। तो हम आसपास के एरिया में निकल जाते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। काफ़ी दिन हो गया था मैं भी बाहर नहीं निकली थी, तो आज कुछ ज़रूरी काम था। और मैंने आज शूज़ नहीं पहना है, ये वाला शूज़ पहना है जो कि बैली स्टाइल में है। और इसको पहले मैंने 3-4 बार ही जो है ट्राई किया था। पहले मैंने 39 पहना था, वो भी मेरा साइज़ है, तो उसको नहीं पहना। फिर 38 चेंज किया, फिर मैंने लास्ट में 36 पहना। तो ये वाला शूज़ मेरे पास 3 पेयर क्या 4 पेयर है, आई थिंक 4 पेयर से भी ज़्यादा है मेरे पास ये वाला, क्योंकि ये शाइनिंग वाला शूज है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वेस्टर्न ड्रेस पे और पे एथनिक वेयर पे। कुछ ज़्यादा ही मुझे इस तरीके का शूज बैलीज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे अभी पार्किंग में हम लोग हैं। और ये मॉल जो है द्वारका सेक्टर 14 में है, और बहुत ही बड़ा है। इसने दिल्ली के हर मॉल को जो है पीछे छोड़ दिया है, और ये इतने बड़े में है, इतना ज़्यादा इसका ये मॉल इतना बड़ा है ना कि एक दिन में आप तो इसको टूर कर ही नहीं सकते हैं। कम से कम आपको 3 बार आना पड़ेगा पूरा मॉल टूर करने के लिए, या फिर पूरा दिन आपको चाहिए होगा अगर आपको इस मॉल का एक एक चीज़ देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। लिफ्ट में भी सिक्योरिटी थी, क्योंकि 2 से 3 3 लोग से ज़्यादा लिफ्ट में किसी को ले नहीं रहे थे। काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब बहुत बड़े में था, मैं क्या बताऊँ आपको। इसने दिल्ली के हर मॉल को, गुड़गांव के हर मॉल को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया। तो ये लिफ्ट में देख सकते हैं सिक्योरिटी वाले भैया थे, और क्योंकि सिर्फ लिफ्ट में 2 से 3 लोग को ही अलाउ किया था, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और काफ़ी कड़ी सिक्योरिटी थी, और हर किसी को आने जाने वालों को ये लोग नमस्ते कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये अभी हम आए हैं जो है फर्स्ट फ्लोर पे, और हमने सिर्फ 2 फ्लोर ही विजिट
किया है जो कि इतना बड़ा था गाइस, आपको सेकंड वीडियो पार्ट में देखने को मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखना अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं ना, तो मेरी मानना इस मॉल में एक बार आके विजिट जरूर करना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा मॉल है, ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। बहुत ही अमेजिंग बनाया गया है यहाँ पे, ऐसा कोई स्टोर कोई ब्रांड नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। मैंने जो है सैलून का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है अपने कटिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट्स लिया है, उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस पार्लर में मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे स्टेच्यू और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। आप नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट देखना ज़रूर, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको और भी इंटरटेनिंग चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। बहुत दिन से मैं सोच ही रही थी आउटिंग करने की, और मेरा मन भी घर में नहीं लग रहा था, तो हस्बैंड की छुट्टी होती तो हम लोग पहले तो जब ये नहीं चल रहा था वायरस, तो हम लोग समझ लीजिए कि हर हफ्ते मॉल जाते ही जाते थे। और ये भैया को मैं जानती हूँ, इसलिए मैं उनको हाई करी थी, वो उन्होंने मुझे हाई किया तो मैंने भी उनको हाई कर दिया। अभी मेरे हस्बैंड को वॉशरूम आ गया था तो वो वॉशरूम गए, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपना थोड़ा सा लिपस्टिक टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि मास्क में सारा लग जाता है। तो लिपस्टिक मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जो है फोर्थ फ्लोर पे जाना है, जहाँ पे पूरा फूड कॉर्नर बना हुआ है। गाइस ट्रस्ट करना, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं ना, तो इस मॉल में, वेगस मॉल में आके ज़रूर एक बार विजिट करना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके घर पे कोई आया भी है ना, तो उसको भी आप एक बार ला के यहाँ पर विजिट कराना। बहुत गज़ब की, बहुत इंटरेस्टिंग सा मॉल है ये। मतलब इसने दिल्ली के पैसिफिक वगैरह हर किसी को पीछे छोड़ दिया, और यहाँ पे जो गेमिंग जोन है ना, अगर आप उसको देख लोगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी गेमिंग जोन बंद है क्योंकि बिकॉज वायरस की वजह से गेमिंग जोन अभी नहीं ओपन होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत 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 इंजॉय किया। यानी कि आज हमारा जो है ट्यूसडे बहुत अच्छे से निकल गया। और मेरे हेयर मैंने वॉश किए थे ना, इसलिए कर्ली कर्ली हो गए थे, मैंने प्रेसिंग करना भूल गई थी। तो आज मुझे लेंस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, चुभ रहा था, तो खाना खाने के बाद मैंने लेंस निकाल दिया। और गाइस ट्रस्ट करना, और यहाँ पे हमने ना ही लंच किया ना ही डिनर किया, सिर्फ जो फूड खाया ना हमने, यानी कि स्नैक्स जो खाए ना, वो भी हमारे 2,500 रुपये के सिर्फ स्नैक्स हमने खाए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मॉल मुझे बहुत पसंद आया, और यहाँ पे मैं और निशु कभी भी आ सकते हैं, वो भी अकेले बिना हस्बैंड के, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर तुम लोगों का जाने का मन किया करे तो निशु को लेके चले जाया करो। क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, हस्बैंड नहीं भी जा पाते थे तो मैं निशु हर जगह विजिट कर ही लेते थे, क्योंकि मैं चली जाती हूँ, मुझे शुरू से ही आदत है, मैं हर सिटी में जाती रहती हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों की आदत है, हैबिट्स है। और ये यहाँ पे मैरी क्रिसमस, यानी कि अब 12 दिसंबर आ चुका है, तो क्रिसमस भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिसमस का बहुत गजब का सेटअप कर रखा था, और आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना। यहाँ पे ये पूरा क्रिसमस का एक सेटअप किया गया था मॉल के अंदर ही। ये इतना बड़ा मॉल था गाइस कि मतलब कहीं से ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और आप एक भूल भुलैया, जैसे लखनऊ में भूल भुलैया टाइप का है ना, बिल्कुल ये मॉल वैसा ही है, भूल भुलैया टाइप का। और आप कहाँ से चढ़ोगे, कहाँ से उतरोगे, कहाँ कहाँ पे आपने क्या देखा, आप 2 मिनट में भूल जाओगे, क्योंकि हमें अपने बाइक ढूंढने में ही कम से कम 1 से ज़्यादा घंटे लग गए थे। गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं कल शेयर करूँगी, यानी मॉर्निंग।